नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के दुमाल नगर में। ये दुमाल नगर का क्षेत्र है, वहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से एक गटर का ये जो ऊपरी हिस्सा है किस तरह से टूटा पड़ा है। कई समय से ये टूटा है, ऐसा यहाँ के स्थानिक ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं। कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। दहशत किस तरह कदर है ये हम समझ सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। लोगों को दहशत है, लोगों को यहाँ नहीं बोलना है कैमरे के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का उन पर दबाव हो सकता है। एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम है कि मैं आवाज़ उठाऊं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हमने जब इनसे इंक्वायरी की तो किसी का कहना है कि 4 महीना, तो कोई बोल रहा है 6 महीना हो गए इस तरह से टूटा पड़ा है। तो हम 6 महीना नहीं पकड़ के 4 महीना ही पकड़ते। तो ये गटर जो जानलेवा गटर इस तरह से टूटी पड़ी है, उसकी किसी ने सूद ली क्या? वसई विरार महानगर पालिका ने यहाँ इस गटर में आकर इसका जायज़ा लिया क्या? कम से कम इस पर अगर काम नहीं किया गया तो इसको बंद करने का भी कोई बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? कल को अगर कोई इसमें गिरता है और अगर किसी के साथ कोई बुरा हादसा हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो जिम्मेदार कौन? हमने कल ही आपको, परसों ही आपको वीडियो में डांगे कॉम्प्लेक्स की स्थिति बताई थी, नाला सुपारा की, जहाँ गटर के पानी में लोगों को रहने को मजबूर होना पड़ रहा था। आज हम आपको स्थिति बता रहे हैं धुमाल नगर की। यह धुमाल नगर का क्षेत्र है, नाम से ही यहाँ मालूम पड़ता है कि धुमाल फैमिली जो है पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर कॉरपोरेटर धुमाल फैमिली से है। तो धुमाल फैमिली ने कॉरपोरेटर जो आज इस समय भले ही सत्ता में नहीं है, आज इस समय वो पावर में नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पावर में नहीं है तो उनको नहीं बोलना चाहिए? हो सकता है कि उन्होंने फॉलोअप भी किया होगा, क्योंकि हमने जब धुमाल फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ। हम वहाँ उनसे पूछने गए तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हो सकता है कि उन्होंने फॉलोअप भी किया होगा, लेकिन उनके फॉलोअप में कहाँ कमी रह गई? क्यों नहीं इस तरह से इतने बड़े और जानलेवा गड्ढे के ऊपर किसी तरह का कोई बंदोबस्त किया गया? इसको क्यों नहीं त्वरित तौर पर बंद किया गया? क्यों नहीं यहाँ पर किसी तरह का बांध काम किया गया? ये सवाल बड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी ये एक दुकान आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोग ये बोल रहे हैं हम एक ही महीने से रहने को आए, कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। कैमरा देखकर सीधा है मना कर रहते हैं कि नहीं, हमको नहीं बोलना है, और ये काफ़ी समय से टूटा पड़ा है। बाकी के लोग है वो यहाँ अपनी नज़रें चुरा के जा रहे हैं, किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। लोगों में यहाँ घबराहट है, लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ डर है। तो फिर वही बोलता हूँ कि डर किस चीज़ का, जब हमारे आसपास हमारी जान को खतरा हो सकता है, ऐसी तकलीफें हैं, तो क्यों नहीं लोग बोलते हैं? एक सवाल बड़ा है। अब ये तो महानगर पालिका प्रशासन और धुमाल फैमिली बता सकते हैं कि क्या उनकी खामियां हैं इसमें। अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली, सैफ न्यूज़ लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।